हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ, मैं करेक्ट 5 बजे खड़ी हो जाती हूँ। अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि मेरा परिवार सो रहा है, और अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। देखिए कैसा है, बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कभी क्या है, 5 बजे वाली ट्रेन जाती है नज़र आ जाती है, लेकिन कभी कभी लेट हो जाती है तो नहीं दिखाई देती। फिर मैं चल देती हूँ अपने टाइम के ऊपर खड़े होकर फटाफट नीचे, और आज न मेरा व्रत है न मेरा पराय, ना फटाफट मैं नीचे आती हूँ, किचन का गेट ओपन करती हूँ, मंदिर में धोख लगाती हूँ, पतीला और लोटा दोनों चीज़ें ले लेती हूँ, चिमू के लिए रोटी ले लेती हूँ। गेट ओपन होने की आवाज़ सुनते ही चिमू अंदर चला जाता है, और वो अपने काम सर्चिंग पॉइंट के ऊपर लगा हुआ क्या सर्च करता रहता है पता नहीं। फिर मैं चल देती हूँ दूसरी साइड में, फिर मैं सिलाने लग जाती हूँ कोले। कोले मैं सुबह और शाम दोनों टाइम सिलाती हूँ, एक टाइम के मैं दिखा देती हूँ, दूसरे टाइम के मैं नहीं दिखाती, क्योंकि सेम प्रोसेस होता है। घूंघट में बाहर जाती हूँ, लेफ्ट राइट और सेंटर में पानी डालती हूँ, और मतलब ये काम मैं सुबह और शाम दोनों टाइम करती हूँ, लेकिन एक टाइम के दिखा देती हूँ, दूसरे टाइम के नहीं दिखाती। फिर मैं गेट को बंद कर देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है तो इस टाइम के ऊपर कोई काम नहीं है, मैं मेरा काम करूँगी। तब तक क्या, गेट को मैं बंद कर देती हूँ जब तक उजाला वगैरह नहीं होता तब तक। फिर मैं आ जाती हूँ इस साइड में, फिर किचन मतलब चाय में डाल देती हूँ दूध। दूध डालने के बाद चाय पकती है, तब तक जितने भी रात के बर्तन होते हैं सारे के सारे सूख चुके हैं, उन सबको मैं उनकी जगह के ऊपर सेट कर देती हूँ, जहाँ पर जिसकी जगह फिक्स होती है वही। मतलब हर किचन के अंदर सीट मतलब हर बर्तन की जगह तो फिक्स होती है, वैसे ही इन बर्तनों की भी जगह फिक्स है। फटाफट मैं जचा देती हूँ, फिर सबको चाय सर्व कर देती हूँ, फिर मैं चाय को ढक कर रख देती हूँ, और फिर मैं लग जाती हूँ अपने मतलब जो कल बर्तन कपड़े धोए थे सारे के सारे, उन कपड़ों को मतलब तार के ऊपर सुखाने के लिए, क्योंकि रात को मैंने उनको अंदर कर दिया था सारों को, क्योंकि मतलब रात को हम अंदर सो गए थे, तो मतलब तसल्ली नहीं थी कि रात को बारिश आए या ना आए पता नहीं चलता है, तो फिर मैंने रात को अंदर कर दिया था। फिर पानी आ जाता है टाइम के ऊपर, फिर मैं मोटर चला देती हूँ और पीने का पानी मैं फटाफट भरने लग जाती हूँ। मेरी अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। फिर मैं फटाफट पीने का पानी भर देती हूँ उसका। हाँ, इस बीच में मैंने चाय पी ली है और पानी मैंने भर दिया है, ऊपर भर दिया, नीचे भी भर दिया। फिर मैं लग जाती हूँ अपनी सफाई के अंदर, जो कि मतलब पहला काम मैं ऊपर करने को करती हूँ, क्योंकि ऊपर फिर मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तो गर्मी में काम नहीं किया जाता भाई। फिर फटाफट मैं नीचे पहले कंप्लीट करूँगी ऊपर की, उसके बाद फिर मैं नीचे की करूँगी। और फिर ये देखिए सारी सारी सफाई कंप्लीट हो गई, तार वगैरह के ऊपर जो कपड़े डाले तो लगभग सूख चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब अभी से हुमस महसूस होने लगी बहुत ज़्यादा गर्मी की। और फिर ये देख सफाई कर दी कंप्लीट, जो चेष्टा बाबू जो बाबू जी के साथ में कल चुन्नी बांध के खेल रहा था वैसे वैसे रखी हुई है चेयर के ऊपर। फिर देखिए सारी सारी सफाई होगी कंप्लीट। चलो फिर मैं पूजा पाठ करने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ और दोबारा की चाय का टाइम हो गया है। पहले मैं मेरे इष्ट देवता के ऊपर मतलब जल अर्पित कर देती हूँ, मतलब शिवलिंग को इसमें स्थापित कर रखा है, उसके बाद में मैं मेरे सूर्य देवता और तुलसी मैया की पूजा करने लग जाती हूँ। चलो पूजा का काम कंप्लीट हो गया है, बाबा जी के साथ में स्नैप ले लिए। फिर आ जाता चिमू, चिमू को रोटी दूध और चाय तीनों चीज़ें दे दिए, ये आराम से बैठा हुआ है, और मतलब ऊपर जो चमगादड़ है उसको देखे जा रहा है। मतलब फिलहाल तो चमगादड़ इस छेद के अंदर चले जाते हैं, लेकिन रात होते तो वो बाहर आ जाते हैं। और फिर ये देखिए हो गई है, बाबा जी को कर दिया तैयार। चलो लड्डू गोपाल जी को शीशा दिखा दिया, मैंने शीशा देखे। चलो बाबा जी का काम मतलब जो नहलाने धुलाने का काम था वो भी कम्प्लीट हो गया। अब दे देती बाबा जी को चाय पहली बार की, और हमने पी ली दोबारा की चाय। हाँ मतलब ये है कि इतनी भी मतलब प्रॉब्लम होती है बोलने में कंप्लीट करने में, मतलब फिर भी मैं सब कुछ करती हूँ, क्योंकि मेरे को कामयाब होना, मतलब बस मैंने एक टारगेट लगा रखा है कि मेरे को तो अब तो बस कामयाब होके ही दिखाना है। शादी के बाद में एक चीज़ की परमिशन मिली है, तो मैं वो दिलो जान से, जैसे कि मैं शादी से पहले पढ़ाई वगैरह करती थी तो भी वो भी मैं इतनी नीयत से करती थी, तो उसके बाद में अब परमिशन मिली तो ये काम भी मैं नीयत से कर रही हूँ। लेकिन ये है कि अब तक मेरे को कामयाबी मिल भी जाती यदि मेरा फर्स्ट चैनल होता, और ये मतलब क्योंकि यदि उसी के अकॉर्डिंग मैं देखती फर्स्ट चैनल के अकॉर्डिंग, तो मैं अब तक कामयाब हो जाती। लेकिन मेरे काफ़ी चैनल ख़राब हो चुके हैं, मतलब डिलीट हो जाते, ऑटोमेटिक मतलब रिमूव हो जाते हैं, मतलब गलती किसकी है ये नहीं पता। हो सकता है मेरा प्रोसेस गलत हो, या फिर को करना नहीं आता हो, या फिर कोई ना कोई कमी रह जाती है, या पता नहीं हैकर वगैरह, मतलब तीन तो हैकर ने ख़राब किए हैं, दो का नहीं पता कैसे ख़राब हुए हैं, लेकिन हाँ तीन का पता है कि तीन तो हैकर ने हैक किए थे, वो गुनो ने उसको आईडी वगैरह सब कुछ बता दी थी, तो तीन का तो पता है कि हाँ हैकर ने ख़राब कर दिए थे, मतलब दो का नहीं पता, रीज़न नहीं पता चल रहा। लेकिन मतलब हाँ ये है कि सब्सक्राइबर काफ़ी आगे जा चुके थे, मतलब 2K भी कंप्लीट हो गए थे, लेकिन क्या करें, मतलब अब तक ये है कि मेरा मतलब जो प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंग मेरे को मतलब अभी तक तो मेरा गूगल एडसेंस भी आ जाता, लेकिन क्या कर सकते हैं, मतलब जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अब भी मैं ये सोचती हूँ कि मैं कामयाब हो जाऊँ, देखती हूँ। हाँ लेकिन लगी हुई मैं दिलो जान से हूँ, सफाई मेरी नीचे की कंप्लीट हो गई, देख सब कुछ मेरा बाबूजी बाहर देख रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन के काम जो लेंटर वगैरह का काम हो रहा है, आज लेंटर डल रहा है किसी घर के ऊपर, तो मशीन आई हुई है, तो चेस्ट बाबू उसी को देखे जा रहा है।
और ये देखिए सफाई हो गई कंप्लीट। हाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है दो, मतलब आज तो आवाज़ देने के अंदर, मतलब क्या कहते हैं एडिटिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। कोई बात नहीं, उसके बाद में फिर चेस्ट अब मैं खाना खा लेती हूँ दोपहर का, फिर सो जाती है। खड़ी होती हूँ तो देख के मौसम ऐसा है, देख लो कुछ भी, मतलब ना तो बारिश है ना और कुछ। और ये रही मेरी शाम, दो शाम की चाय जो बाबा जी को दे दी है, और मेरा बाबू जी जा रहा है अपना फ़ोन खरीदने की तैयारी के अंदर, तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मतलब फ़ोन कौन सा लें क्या लें, फिर तीनों के तीनों वो फ़ोन लेने के लिए चले जाते हैं। ओके बाय, देखिए चले गए। चलो ठीक, अब देखते हैं क्या लेकर आते हैं क्या नहीं लेकर आते। फिर उसके बाद में फिर मैं श्याम के काम के ऊपर लग जाती हूँ। फिर मेरा बाबू जी कर रहा है फ़ोन की अनबॉक्सिंग, और चेष्टा बाबू के सिर्फ फ़ोन का कवर आया है, लेकिन उसको बस उसी में खुश हो रही है। और चेस्ट गुनो आपने फ़ोन की अनबॉक्सिंग करी, मतलब वो कॉलेज जाने लग जाएगी तो उसके लिए नया फ़ोन आ गया है। और ये देखिए, और मतलब चलो दोनों खुश हो गई हैं, ये भी खुश हो गए ये भी खुश हो गए। किसका फ़ोन बेस्ट लग रहा है वो आप बता देना मेरे को, तो मतलब मेरी दोनों लाडू अच्छी लगती है, दोनों फ़ोन अच्छे लगते हैं। ओके ठीक है, चलो गुनो ने कर लिया अपने फ़ोन की अनबॉक्सिंग। ये मेरा रात का खाना है जो कि बाबा जी को दे दिया। हाँ आज आवा मतलब एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, कामयाब होकर दिखाना ना, तो बस एक धुन मचाए रखो। हाँ करना है करना करना करना, तो अपने आप कर देगा और फिर बाबा अपना साथ देगा। बाबा मतलब भगवान, कि मतलब कोशिश करोगे तो भाई कभी ना कभी तो कामयाब हो ही जाओगे। बाबा जी सो गए, चेष्टा बाबू अपने चावल खा रहे हैं। ओके।